ग्लोट तहसील के अंतर्गत मैड़ पंचायत के पलबी गांव में श्रम कल्याण बोर्ड के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व हिमाचल पथ परिवहन निगम के वाइस चेयरमैन विजय अग्निहोत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि का पलवी पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अग्निहोत्री और उनके साथ आए हुए अन्य लोगों को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मनरेगा मजदूरों को जो लंबे समय से श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत थे और अपने अपने 90 दिनों का काम पूरा कर चुके थे, उन्हें बोर्ड की तरफ से आई 100 साइकिलें व 100 सोलर पैनल लाइट्स बांटी गई। 261 लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा गरीब लोगों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए। इस मौके पर मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष तिलक रास ने कहा कि वह कई वर्षों से मजदूरों के साथ जुड़े हैं, मगर इससे पहले भी राजनीतिक पार्टियों ने मजदूरों का शोषण ही किया। मात्र वोट इकट्ठा करने के लिए मजदूरों का इस्तेमाल हुआ, मगर जब से देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है, मजदूरों के जीवन स्तर को उन्होंने ऊपर उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले भी मोदी सरकार द्वारा मजदूरों को वॉशिंग मशीनें दी गई थी, जिसका श्रेय झूठ बोलकर अन्य कई राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे ले चुके हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब मजदूर किसान का दर्द यदि किसी ने समझा है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा है। उन्होंने कहा कि नदौन मेरा घर है और यहां की जनता के दुख दर्द में विजय अग्निहोत्री लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलता रहेगा।